वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना अंतरिम बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए बजट में कई घोषणाएं की हैं। आइए आपको बताते हैं कि निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस लखपति दीदी पर रखा है। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 2025 तक 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उन्हें अपना उद्योग या रोजगार शुरू करने के लिए मदद करना भी है। वित्त मंत्री ने आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा, हम विकास की नई परिभाषा करेंगे और आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमी को दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास मिले हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है और 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त सर्वाइकल टीका लगाए जाने की घोषणा की है।